जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रही हैं स्वर्ण जन्म जयंती पूर्णोत्सव के मंगल दृश्य। ये आयोजन श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती वर्ष 2021-22 के समापन पर 24 एवं 25 सितंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें अनेकों गुरु भक्तों ने मिलकर इस उत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान किया और तमाम मांगलिक कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करते हुए उनका वात्सल्यमयी आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रस्तुति श्रृंखला की पिछली कड़ी में कल आपने 24 सितंबर को संपन्न हुए 50 मंडलीय 64 रिद्धि महामंडल एवं तपोभूमि गरबा रास प्रतियोगिता के रंगारंग दृश्य देखे। आज 25 सितंबर को संपन्न हुए कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं। गुरु भक्त शिरोमणि आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के इस स्वर्ण जन्म जयंती के महाकल्याणकारी अवसर पर प्रातः होते ही भक्तों की भीड़ एकत्रित हो गई। सभी पूज्य गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में अपने सभी प्रिय भक्तों को गुरुदेव ने दिव्य देशना और पिच्छी से आशीर्वाद प्रदान किया। सिद्धाणम नमो, सिद्धाणम नमो, आर्याणम नमो, वच्छायाणम नमो, लोहे सभ्य साहुणम नमो, यानो सत्पावम हो मंगलम, चत्तारि मंगलम, हरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा, सुभमस्तु, शांतिरस्तु, शांतिरस्तु। सभी लोगों को आज मेरे 50वें अर्थात स्वर्ण जयंती वर्ष पर पूर्णोत्सव पर मैं आचार्य प्रज्ञा सागर अपने शिष्य मुनि श्री शांत तीर्थ जी महाराज सहित छुल्लक पूज्य सागर जी, छुल्लक प्रवेश सागर जी, छुल्लक प्रिय तीर्थ जी, छुल्लक पूर्ण तीर्थ जी, छुल्लिका शांत प्रज्ञा माता जी, ब्रह्मचारिणी बहन प्रभा दीदी, मीना दीदी, साधना दीदी, प्रवीण भैया, शीतल दीदी, संस्कार, वंदना, प्रेमलता जी, समस्त इस परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपका जीवन स्वर्णिम हो, मंगलमय हो। कार्यक्रम में आगे 50 जिन बिंबों का 50 गुरु भक्तों द्वारा एक साथ महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। भगवंतम काल संतम प्रस्वादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति शंकर परम देवम आद्यानाम आते जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्र आर्यखंडे भारत से मध्य प्रदेश से मालवा प्रांत उज्जैन नाम नगरे महावीर तपोभूमि। मूल नायक भगवान और 50 जिन बिंबों के एक साथ महामस्तकाभिषेक का ये अनुपम नजारा बेहद भव्य प्रतीत हो रहा था। जिन शासन के इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में ऐसे ऐतिहासिक आयोजन अक्सर होते रहते हैं, जिनके माध्यम से जनशासन की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। ओम रेम सेम क्लेम एम अरम बम बम हम सम तम पम बम 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 हम हम सम 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 जम जम जीम जीम छीम ओम हम बे जय हो अरम बम बम हम सम तम पम बम बम जीम जीम छीम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो हरयते भगवते श्रीमते पवित्र क्षीराभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, 5 तीर्थंकराय महावीर जिनेन्द्राय, 24 तीर्थंकराय द्वादश कृपाविष्टाय शुक्लचार्य पवित्राय सर्वज्ञाय अस्माकं श्रेष्ठ श्री प्रज्ञाचित्तर
परिवार से नवीन जी जैन गाजियाबाद परिवार है, मदन भाई हुम्बल परिवार है, परिवार है मनोज भाई साहब परिवार है, अनिल जी जैन बनेठा जयपुर परिवार, जैन जी जैन दिल्ली परिवार है, अक्षय अजमेरा इंदौर परिवार है, अशोक जी जैन बड़ोतरा परिवार है, गजिन जी झांझरी बड़ोतरा परिवार है, सुनील जैन ट्रांसपोर्ट जैन निवास परिवार है, अतीश जी जैन कोटा निवास परिवार है, रूपेश जी जैन दिल्ली निवास परिवार है, दिनेश जी जयपुर निवास परिवार है, अनिल जी गोधा जयपुर निवासी परिवार है, लोकेश जैन कोटा निवास परिवार है, अजीत जैन कोलकाता निवास परिवार है, शरद जी बड़जात्या इंदौर निवासी परिवार है, संजय जी केड़िया मुंबई निवासी परिवार है, हेमंत जी बड़जात्या इंदौर निवासी परिवार है, अनमोल जैन बड़ोदरा निवासी परिवार है, आशा से भागीरथ जी तपोभूमि निवासी परिवार, श्रीमती सद्दाबेन चंद्रेश भरीखा भरूच निवासी परिवार है, संजय बड़जात्या उज्जैन निवासी परिवार है, अशोक जी जैन चायवाला परिवार है, विजय जी बखारिया अहमदाबाद निवासी परिवार है, दिनेश जी जैन सुपर फार्मा परिवार है, राजेंद्र जी लोहाड़िया परिवार है, कमल जी मोदी परिवार है, पवन जी बोहरा परिवार है, ओम प्रकाश जी जैन परिवार है, जम्बो जी रमेश जी जैन एकता परिवार है, राजेंद्र जी लोहावड़ा परिवार है, राजेंद्र जी विलास लाला चाक्षु परिवार है, सब जी जैन भवानी मंडी परिवार है, निर्मल जी जैन भोपाल निवासी परिवार है, प्रज्ञा चिंतन निवासी परिवार है, प्रतिपाल जी टोंगिया इंदौर निवासी परिवार है। 50 जिन बिंबों के एक साथ महामस्तकाभिषेक की इस अविस्मरणीय घड़ी के उपरांत पुण्यार्जन का एक और अद्भुत अवसर यहाँ उपस्थित गुरु भक्तों को गुरु करुणा से मिला। ये वो स्वर्णिम अवसर था जब 50 चौकियों पर 50 पुण्यशाली परिवारों द्वारा 50 श्रुत स्कंधों के साथ 50 ग्रंथ विराजमान किए गए। बड़ा ही मनोरम दृश्य था ये, जिनवाणी माता की आराधना का, गुरुदेव की करुणा से ये मंगल अवसर यहाँ भक्तों को प्राप्त हुआ था। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानियोग करुणानियोग चरणानियोग द्रव्यान योग स्वरूप द्वादशांग में जिनवाणी माता को मैं मनसा वाचा करुणा नमस्कार करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीति त्रिदिकान्येव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्य मे तच्छुतं पंच पदम नमामि। अरिहंत भासी अत्थम गणहृदेव्यम गंत्यम सम्मम पढ़मामि भक्तियुक्तो सुदनाण महो बहिम स्थिरसा। विराजमान करिए, बोलिए जिनवाणी माता की, जिनवाणी माता की, जिनवाणी माता की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी कड़ी में अब अवसर आया गुरुदेव के पावन चरण कमलों को पखारने का। ऐसे में 50 पुण्यशाली गुरु भक्तों द्वारा 50 मंच पर गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए गए। ये जिनशासन के इतिहास में एक और ऐसा अवसर था जो स्वर्णाक्षरों से अंकित होने वाला था। धन्य गुरुदेव हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। इस मंगल भावना के साथ भक्तों ने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करके अपना जीवन धन्य कर लिया। मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। मेरी कुटिया में, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु जी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया।
गुरुदेव का स्वर्ण जन्मोत्सव हो और भक्तों द्वारा उनकी पूजा आराधना न की जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए अब चलते हैं पंडाल के अंदर, जहां गुरुदेव की पूजन एवं महाआरती का अवसर महामंगलकारी क्षण था। गुरुदेव के मंचासीत होने के बाद क्रियाएं आरंभ की गईं। इस मंगल अवसर पर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा लिखित भक्तामर दिव्य शक्ति महास्रोत पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक विमोचन का कार्य संपन्न होते ही गुरुदेव की महापूजा की गई और ये अवसर पाकर सभी भक्त धन्य हो उठे। सरस्वती का राज दुलारा वीर चंद के आंख कदा स्मरणीय आचार्य रत्न प्रज्ञा सागर गुरुदेव चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति जन्म लिया मेरे गुरुवर ने इंद्र बजावे बांसुरिया जन्म लिया मेरे गुरुवर ने। गुरुदेव की स्वर्ण जन्म जयंती के अवसर पर जहां देश के प्रत्येक राज्य से भक्त पधारे थे, वहीं दाहोद से पधारे गुरु भक्तों ने एक विशेष भेंट गुरु चरणों में समर्पित की। नगर में बैठे बाबा झंडा चातुर्मास दे दो गुरुवर बागाड़ के और मेरे प्रज्ञा सागर में दे छप्पर भार गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला जब से गुरु दर्श मन है मेरा खिला मेरी तुमसे डोर बन गई है मेरी तो पतंग उड़ मेरे भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है मेरे भक्त तेरा हनुमान साधु अरे झुसल के एक छोटे से अदने से साधु का जिसमें आप अपनी विनयांजलि शब्दांजलि कुसुमांजलि समर्पित करने के लिए देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित हुए ये भक्ति का वातावरण सिर्फ इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो दूर सुदूर से आता है उसकी एक ही इच्छा होती है मैं चरण छू लूं मैं चरण धो लूं मैं चरण रज को माथे पर लगा लूं। इसीलिए इतना विराट आयोजन सिर्फ पाद प्रक्षाल का। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं माँ जिनवाणी माथे पर रख कर के विराजमान करूं। इसलिए सभी लोगों से वह कार्य संपन्न कराया गया। सभी लोगों की इच्छा होती है मैं अभिषेक करूं। एक भगवान का अभिषेक इतने सारे लोग करते तो कितना समय लगता, हमने उतने सारे भगवान कर दिए, सारे लोग डिवाइड हो गए, सबको अभिषेक का लाभ मिल गया, भगवान का अभिषेक हो गया, प्रक्रिया हो गई, पूजन यहाँ पर बैठ करके सभी लोगों ने सामूहिक रूप से संपन्न कर ली। अभी 50-50 दीपकों से वह आरती यहाँ पर संपन्न हो जाएगी। आप सब लोग जितने खुश दिखाई दे रहे हो ना, उससे भी ज्यादा खुश हो। क्योंकि हमारा चेहरा हमारा शरीर इतना छोटा है कि हम अपनी आकाश से खुशी को इतने से शरीर से पूरी व्यक्त नहीं कर सकते हैं, पूरी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आप खुशियां तो आकाश सी है, अनंत है, ऐसी खुशी भर करके ले। और आपको खुशी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे नहीं है। घर में मेहमान आता है तो खुशी होती है, आप तो मेरे अपने आए हैं, मुझे कितनी खुशी है। देखिए बड़े पुण्य का हमारा उदय है कि दाहोद नगर में वसुनंद जी गुरुदेव की भी बगिया के दो फूल यानी कि शिवानंद जी प्रशमानंद जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है। उनके पूर्ण आशीर्वाद और निर्देशन में यह
घड़ी पर हम गुरुदेव के चरणों में यह धन्य है मुनीश्वर देव आचार्य भगवान श्री प्रज्ञा सागर जी जो परम है पूज्य है जिनके पास सूझ और बूझ है आध्यात्मिक श्रितिज के सितारे ये गुरुदेव हमारे प्राणों से प्यारे बहसावर से सहारे गुरुदेव हमारे कृपा के जो धनी है चाहिए न जिन्हें मनी है श्रद्धा के चमकते मणि है वाणी में मिठास भरी हनी है आंखों में जादू है उच्च कोटि के साधु है आपके स्वर्णम जयंती की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं और मनोकामनाएं आप स्वस्थित रहे हुए स्वस्थ रहे दाहोद जैन समाज की यही प्रभु से प्रार्थना है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुभक्त परिवार दाहोद नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। इस अनुपम भेंट के बाद 50 दीप थालों से गुरुदेव की महाआरती की गई। सरस्वती का राज तुलाना वीर चंद का प्यारा सरस्वती का राज तुलाना वीर चंद का प्यारा पिंड नई नगर में जन्म लियो आरती के बाद अवसर आया आहार चर्या का उपस्थित भक्तों ने गुरुदेव की आहार चर्या देखी और पुण्यशाली भक्तों को आहार देने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार आहार चर्या के उपरांत गुरुदेव ने सभी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद दिया और तीर्थ परिसर के प्रांगण में पहुंचे जहां 50 फीट लंबा जैन ध्वज आरोहण किया गया। जैन धर्म की यशोगाथा को बयान करने वाली ये ध्वजा गुरुदेव के स्वर्ण जन्म जयंती पर विशेष रूप से तैयार की गई थी। जैसे ही ध्वजा को खोला गया भव्याति भव्य नजारा सभी के समक्ष आया और सभी के मुख से जय जयकार के शब्द निकल पड़े। दर्शकों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन स्वर्ण जन्म जयंती पूर्णोत्सव का ये अद्भुत आयोजन अभी संपन्न नहीं हुआ है। हम कल फिर हाजिर होंगे आगे के कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।